रखी थी कि मेरे साथ टॉर्चर हुआ है, मेरे साथ धोखेबाजी हुई है, मुझे मेंटल और शारीरिक टॉर्चर किया गया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे मजबूर किया गया, मेरे साथ कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा समी अहमद ने कि मैं इस लड़ाई को लड़ूं, और आज आप लोगों के सामने ये साबित हो गया जो बिकाऊ मीडिया के द्वारे कुछ क्रिमिनल हायर करके कुछ मीडिया को मैनेज करके समी ने जिस तरह से मुझे बदनाम किया और सबको लग रहा था कि ये फॉल्स एलिगेशंस मैंने लगाए हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेट हो गया, एक साल कोई कम समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है, लेकिन मुझे यकीन था कोलकाता पुलिस के ऊपर, मुझे यकीन था हमारे बंगाल के प्रशासन के ऊपर कि मुझे ज़रूर ज़रूर मुझे इंसाफ मिलेगा। तो अभी तक मुझे उतना ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि चार्जशीट के डिटेल्स मैंने नहीं देखे हैं, मुझे तो पता चला है कि दो ही धाराएं लगी हैं और भी धाराएं लगनी चाहिए थी, अब मुझे नहीं पता कि पुलिस ने क्यों नहीं लगाई। और सबसे बड़ी बात है कि समी और समी के भाई ने मेरे साथ जो किया वो भी मैंने आप लोगों को सबको बताया था, पुलिस को भी बताया था, और इसमें उसकी माँ बहन और भाभी वो तीनों भी इन्वॉल्व थी, और मैं जब वहाँ पे थी तब समी की भाभी की बहन वहाँ में आकर समी के साथ रिलेशन कर रही थी, मेरे सामने वो लोग इस चीज़ को अंजाम दे रहे थे, फिर भी पता नहीं पुलिस ने क्यों इन तीनों महिलाओं को मतलब चार्जशीट हटा दिया, मुझे नहीं पता, ये हमारे लॉयर अच्छी तरह से आप लोगों को बता पाएंगे और मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊँगी जब तक हम लोग चार्जशीट को सही तरीके से देख नहीं लेते, और हम आगे की प्रोसेसिंग में जाएंगे। मेरा कहना यही है आप लोगों से कि मैंने जो कहा था वो सब सच था, आज आप लोगों के सामने वो आ गया, और मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस की जो मेरे इस लड़ाई में इन लोगों ने देर से ही हो लेकिन दुरुस्त से आए, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे कोर्ट से भी मतलब जजमेंट मिलेगा। हसीन, जहाँ तक अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, आप बीसीसीआई को भी लेटर आपने लिखा था और आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी आप मिले विधानसभा में जाकर के, तो लेकिन बीसीसीआई ने तो क्लीन चिट दे चुका है समी को, आगे जो है वर्ल्ड कप है, तो मतलब क्या क्या उम्मीद अभी रखते हैं, अभी मतलब क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा अभी? देखिए, मैं आप लोगों को भी पता है और पब्लिक को भी पता है और आप लोगों को हकीकत तो खूब पता है, आप लोगों ने बैक कैमरा में तो मुझे बहुत सपोर्ट किया और असलियत को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। समी के पास पैसा है, फेम है, तो सपोर्ट भी बहुत है उसके पास, और आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रोसेसिंग में कितना डिलेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का वो जो केस था उसमें बीसीसीआई ने कॉफी विद करण में बीसीसीआई ने उन लोगों के कमेंट पे या उन लोगों की बातों पे उन लोगों को सस्पेंड कर दिया था विदाउट एनी वुमेन एलिगेशंस, लेकिन यहाँ पे मैं समी अहमद की खुद की बीवी, उसकी बच्ची की माँ, मैंने एलिगेशन रखा था, मैंने सारे सबूत मैंने बीसीसीआई के सामने रखे थे, बीसीसीआई भी 100% श्योर और क्लियर था कि समी कितना गंदा है और कितनी गंदगी किया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि बीसीसीआई ने क्यों उसे सपोर्ट किया, शायद बीसीसीआई के नज़रों में प्रोस्टिट्यूट या फिर गंदी लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती हैं, घर की बीवियाँ अच्छी नहीं होती, इसलिए बीसीसीआई ने मुझे सज़ा देना ज़रूरी समझा, ना कि समी अहमद जैसे गंदे मेंटलिटी क्रिमिनल को सज़ा देना ज़रूरी समझा। नहीं तो आप सीधा जो है उंगली जो है बीसीसीआई के ऊपर उठा रहे, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है इन्वेस्टिगेशन जो है बीसीसीआई ने सही तरीके से नहीं किया? ऑफ कोर्स नहीं किया, क्या इन्वेस्टिगेशन किया उन लोगों ने, क्या इंक्वायरी किया बताइए, मोहम्मद भाई का नाम जो आया था तो मोहम्मद भाई को बुलाया बीसीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, अलिजबा को बुलाया, समी को बुलाया, मुझे जितना पता है कि समी को बुलाया, समी ने उन लोगों के सामने बात कहा कि देखिए सर हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अगर मैं फंसता हूँ तो मैं सबको लेकर फंसूंगा, ये मैंने अंदर की बात सुनी, तो इसी वजह से शायद बीसीसीआई ने क्लीन चिट दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तो पुलिस ने भी चार्जशीट दे दिया समी अहमद के अगेंस्ट में, अब तो कम से कम बीसीसीआई को समी अहमद के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, वो तो साबित हो गया ना।
आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग? मतलब ये चार्जशीट आपने कहा कि अभी तक आपने आपके हाथों में नहीं आया, तो चार्जशीट के बाद आगे क्या कार्रवाई? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए। अब मैं, मेरे लॉयर अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह से वो मुझे हेल्प करेंगे, कौन सा वे पे जाने से मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन अभी जो दो तीन चीज़ें मुझे दिख रही हैं, वो मुझे मतलब हर्ट कर रही है कि वो तीन लेडियों को क्यों चार्जशीट में उन लोगों का नाम नहीं जोड़ा गया, क्यों और भी एलिगेशंस नहीं, मतलब और भी धाराएं क्यों नहीं लगी। हालांकि 420 की धारा भी लगना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समी के फेक डॉक्यूमेंट्स जितने थे, जो दो मार्कशीटें थी मैट्रिक के, दो तीन वोटर आईडी थे, ड्राइविंग लाइसेंस थे, बहुत कुछ, तो वो सब भी मैंने सबमिट किया था। लेकिन पता नहीं लाल बाजार ने क्या किया, और अब हमारे लॉयर बताएंगे कि कैसे हमें क्या करना एक है। बेटी भी हैं आप दोनों का, तो अभी क्या उस बेट उसके साथ में कोई संपर्क करने का कोशिश करने के लिए क्या देखिए, आपको कभी जब कोई... से जब से हमारी बेबो इस दुनिया में आई है, जब से वो जन्मी है, तब से लेकर अब तक समी अहमद का जो एक बाप वाली फीलिंग होती है, कभी नहीं थी। लेकिन इस चीज को मैं बर्दाश्त ही कर रही थी। हालांकि उसने जब भी मीडिया में आया, तो वो उसने सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करी एज अ फादर, लेकिन वो बाप वाला फील जो है उसके अंदर कभी भी नहीं था। अगर होता तो आज हम ऐसे सिचुएशन में नहीं होते। वो इंसान ही नहीं है, वो क्रिमिनल है, बिल्कुल पक्का वाला क्रिमिनल है। वो क्रिमिनल नहीं होता तो कोई अपनी बीवी को फेक न्यूज चला के बदनाम करता? आप ही बताओ। पूरे सोशल मीडिया से टारगेट कर मतलब करवाया गया मुझे, फिर फेक एक्सीडेंट करवा के उसने पब्लिकली हमला करवाने की कोशिश करी। हालांकि मैं वेस्ट बंगाल से थी, और मैं मतलब जोर गला से मैं कह सकती हूँ कि हमारे सीएम ममता बनर्जी थी, इसी वजह से शायद मैं बच गई। नहीं तो शायद आज मैं मर ही गई होती। इन लोगों, समी अहमद ने ऐसा मतलब प्लानिंग कर लिया था। तो आगे ये बच्ची की जो पढ़ाई है, उसके जो आगे का जो खर्चा है, तो ये इसका जो है, इसका क्या सोचा है आपने? देखिए, सबका मालिक अल्लाह है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट भी मिल रही है मुझे। हालांकि 80,000 बेबी के लिए तो लोअर कोर्ट में ऑर्डर हो गया था एलिमनी में, और मेरे ही मेंटेनेंस को रिजेक्ट किया गया था। किस बेस पे रिजेक्ट किया गया ये मुझे भी नहीं पता। क्या वो 80,000 मिल रहा है बराबर आपको? नहीं, दो तीन महीने से उसे भी स्टॉप कर दिया गया है। अच्छा। एक दूसरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीच में ये खबर आया था और हमने भी देखा था कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी हैं, तो अभी वो लेके आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मैंने उस टाइम रिएक्शन नहीं दिया था कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। हालांकि मैं अभी ऐसे सिचुएशंस में हूँ कि आप लोगों को लगता है कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स करने के सिचुएशन में हूँ। नहीं, मैं मुंबई गई थी और मुंबई में मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कोलकाता में भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे अपना भी करियर बनानी है, मुझे मेरे बच्चियों को भी देखना है। 80,000 में तो हमारा नहीं चलने वाला, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैंने अभी तक कामयाबी हासिल नहीं करी है, तो मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ संजय निरुपम जी से मिलने के लिए गई थी, ना कि मैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए गई थी। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, तो फिर मैंने इस चीज़ का कोई रिएक्शन नहीं दिया कि फिर पता नहीं कैसे कैसे इश्यूज बनेंगे, क्या होंगे। हालांकि आप लोगों को पता ही है कि अभी मतलब पॉलिटिकली बोलिए या फिर अदर्स कोई तरफ से बोलिए, हर तरफ से समी को ही सपोर्ट है। तो उस टाइम मैं, आप लोगों को पता है कि मैं अपनी लड़ाई बिल्कुल अकेले लड़ रही हूँ, किसी का भी सपोर्ट मेरे पास नहीं है, ना ही रिटायर्ड क्रिकेटर्स के, ना ही क्लब के ऑनर्स के, ना ही अदर्स प्लेयर के, ना ही बीसीसीआई के, हालांकि यहाँ तक कि ना प्लेयर्स के वाइफ्स की। हालांकि मतलब औरत होने के नाते तो औरतों को मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन फेक न्यूज़ के कारण सब सबको मेरे अंदर नेगेटिविटी दिखी जो दिखाया गया। तो इसी वजह से अभी मतलब कांग्रेस मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया है, और ना ही मैं पार्टी में इंटरेस्ट हूँ, और ना ही मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में अभी ज्वाइन, उस रास्ते में सोच ही नहीं रही हूँ मैं। मुझे मेरा टारगेट पूरा यही है कि मेरी बच्चियों की परवरिश, और मेरा ये लड़ाई में मुझे विन करना है एनी हाउ, और अपना करियर भी मुझे देखना है।